अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। राधिका जी, पापा जी। बेटा, तुम्हें कैसे पता कि शिवलिंग बनाने से पहले ये सब विधि करनी पड़ती है? वो पापा जी, बचपन में ना हम पापा के साथ मठ जाया करते थे, तो वहाँ पर एक महंत जी से विधि सीखी थी हमने। अरे वाह बेटा, अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तुम अपने अति सुंदर मन और अपने संस्कारों से ये जो शिवलिंग बना रही हो जरूर अच्छा ही बनेगा। थैंक यू पापा जी। कली, तुम गांव से हो ना? गांव में तो सब कुछ विधि और विधान के साथ होता है, तुमने कुछ भी नहीं सिखाया। तुम्हारी इस गवारपंथी के वजह से वो गोलमुखी हमेशा हर काम में वाहवाही लूट लेती है। सासी, आप तो हमसे बड़ी हैं, समझदार हैं, इतने सालों से शिवलिंग बनाती आ रही हैं, आपको तो सब पता होगा ना, आप ही हमें सिखा देती। तुमने ये बकवास मत कर और अच्छे से बनाओ, और अब तुम ये पूरा शिवलिंग तुम खुद बनाओगी। मेरी नाक कटने मत देना कली बिटिया, अब करो। बना रहे ना सासी? बड़ी आई। अच्छे से बनाओ बेटा, मैं भी आता हूँ। जी पापा जी। जी गुड्डे। राधिका। जी माँ जी। शिवलिंग बनने में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, ध्यान से बनाना, और हाँ, शिवलिंग बनाते वक्त बीच में अपनी माँ से बातें करने मत बैठ जाना। जी माँ जी। क्योंकि तुम्हारी किसी भी चूक की वजह से हम भाभी के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहते हैं। इसलिए याद रहे कि पूजा सिर्फ हमारे या दिव्यम के हाथों से ही होनी चाहिए। माँ जी, लेकिन पूजा कोई भी करे क्या फर्क पड़ता है, सब हमारे ही तो परिवार के लोग हैं। चुप करो, घर में आग लगाने के बाद ज्ञान की देवी मत बनो, चुपचाप शिवलिंग बनाओ। और हाँ, हमने तुम्हारे कमरे में कल की पूजा के लिए कपड़े रखे हैं, नाप लेना, क्योंकि तुम्हारा शरीर तो घटता बढ़ता रहता है। हम नहीं चाहते हैं कि मेहमानों के सामने हमारी बेइज्जती हो, समझी? जी माँ जी, हम देख लेंगे। एक काम करते हैं, माँ जी ने जो कपड़े लाए हमारे लिए, जाके एक बार देख लेते हैं कि वो सही से आ रहे हैं या नहीं। तब तक ये मिट्टी भी अच्छे से पानी सोख लेगी, उसके बाद शिवलिंग बनाने की शुरुआत करेंगे। शिवलिंग तो बना ही लेंगे, लेकिन ये देवरानी जी का शिवलिंग तो हम बिगाड़ कर ही रहेंगे। जय भोलेनाथ। तिरुन जी, ये क्या कर रहे हैं आप? Exactly. तुम क्या कर रहे हो? वो तिरुन जी, माँ जी ने ना कल की पूजा में पहनने के लिए हमें साड़ी दी है, पर उसका ये ब्लाउज फिट ही नहीं आ रहा है। हमें लग रहा है फिर से हमारा वजन बढ़ गया है। देखने में तो वैसे ही लग रही हो एकदम गोलू मोलू। रिम जी, हम पहले से इतनी ज्यादा चिंता में हैं, अब आप ऐसे मजाक करके हमारी चिंता मत बढ़ाइए। हमें कैसे भी करके कल तक अपना वजन कम करना होगा ताकि ये कपड़े हमें फिट आ जाएं। राधिका, एक दिन में वजन कम नहीं होता, ठीक है? चिंता करना छोड़ो, मैं माँ से बात कर लूंगा, तुम कुछ और पहन लो, चलो टेंशन मत लो। नहीं रिम जी, हम माँ जी को ऐसे नाराज नहीं करना चाहते हैं, उन्होंने इतने प्यार से हमें ये साड़ी दी है, और आप देखिएगा कल तक हम अपना वजन कम कर लेंगे और यही साड़ी पहनेंगे।
तुम्हें जो सही लगता है वो करो। मुझे नहीं लगता कि एक दिन में वजन कम होता है, पर जैसे तुम्हारी मर्जी। ओह दिव्यम जी, क्या है? ये ब्लाउज हाथ में अटक गया है, मदद कर दीजिए ना निकालने में। जाके शिवलिंग बना लेते हैं। खीर मिट्टी तो बहुत गीली हो गई, पर हमने तो थोड़ा सा ही पानी डाला था, फिर ये कैसे हो गया? राधिका जी, कब से शिवलिंग बना रही हो? चलो कुछ खा लो। नहीं दिव्यम जी, हमें नहीं खाना है। क्यों? खा लो ना, वैसे भी कल शिवरात्रि है, फिर तुम कुछ खाओगी नहीं, व्रत होगा तुम्हारा। हाँ तो व्रत कल है ना, आज हम डाइटिंग कर रहे हैं। एक दिन डाइटिंग करने से वो ब्लाउज तुम्हें फिट नहीं होने वाला। हा? वैसे भी ये दही चावल है, बहुत हेल्दी होता है, खा लो समझी। दिव्यम जी हम जानते हैं ये हेल्दी है, लेकिन हमारा वजन तो हवा से भी बढ़ जाता है ना, इसलिए हम नहीं खाएंगे। और अगर हमें भूख लगी तो हम फल खा लेंगे, पर अभी हमें कुछ नहीं खाना है। ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो, मैंने खाना यहाँ रख दिया है, तुम्हें खाने का मन हो तो खा लेना, जैसी तुम्हारी मर्जी। जी आप अपना हाथ ऐसे ही रखिए, हम सही से बनाते हैं। रुको मैं मदद करता हूँ। थैंक यू भोलेनाथ, आपने हमारे सारे शिव जी के व्रत पूरे कर दिए, दिव्यम जी जैसा पति हमें देकर। अगर तुमसे अकेले शिवलिंग नहीं बनाया जा रहा था तो मैं पहले बता देती ना, हमारे मुन्ना को काम पे लगाने की क्या जरूरत थी, उसके पास वैसे भी ऑफिस के कितने काम रहते हैं। माँ, राधिका ने मुझसे मदद नहीं मांगी, मैं खुद शिवलिंग बनाना चाहता था इसीलिए उसकी मदद कर रहा था।
अब देखिए मन अति सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।